गाइज, अगर आपकी स्कूटी बाइक का स्पीडोमीटर खराब हो गया तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्कूटी या बाइक का स्पीडोमीटर को कैसे सही कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके स्पीडोमीटर में क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी स्कूटी में क्या प्रॉब्लम आई है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारे चैनल पर आने वाली ऐसी बेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी रोड पर हूँ और मेरी स्कूटी स्पीड में चल रही है, कम से कम 10-20 की स्पीड पर तो होगी, फिर भी इसका मीटर वर्क नहीं कर रहा और फ्यूल गेज वाला मीटर पूरा वर्क कर रहा है। जैसा कि आपने देखा, मेरी स्कूटी का ये स्पीडोमीटर वर्क नहीं कर रहा था, मैंने आपको दिखा दिया। और मैं आपको बताता हूँ डिटेक्ट कैसे करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि हमारा पूरा मीटर ही खराब हुआ है कि सिर्फ ये वाला मीटर खराब हुआ है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको की को ओपन कर लेना, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका ये वाला पेट्रोल वाला मीटर सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्यूल वाला मीटर हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये उठ रहा है स्लोली इधर, शायद आप देख सकते हैं। लेकिन ये और इसका जो ये वाला ओडोमीटर है वो ही वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमको बैक साइड इसका ओपन करना पड़ेगा और इसके पीछे से हमको चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको हर बार हर वीडियो में बहुत सारी वीडियो में आपको बताया इसको कैसे ओपन करना है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको, या इधर या फिर इधर कोई लिंक आ रहा होगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको कैसे ओपन करना है, अगर आपको नहीं पता तो। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया और जो इसका पिन है उसको उधर रख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रू होता है जिसकी हेल्प से जो ये मीटर होता है, यहाँ से आप देख लीजिए ये वाला जो कि रन करता है, जो कि जब ये हमारा पहिया घूमता है ये टायर, तब ये घूमता है रोटेट होता है। तो इसको पहले हम ओपन करके देख लेते हैं, क्योंकि वायर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और क्योंकि ये बहुत दिन से खड़ी हुई है तो प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो इसमें दो तीन भी प्रॉब्लम होती है वायर में भी। एक सेकेंड इसका हम ओपन कर लेते इसको कहते। हाँ, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी थ्रेड्स में प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्योंकि थ्रेड तो सही है और ये रोटेट होता है, क्योंकि तो नहीं हो रहा है रोटेट। तो पहले मैं इसको एक बार घुमा के देख लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा है, और जबकि हमारा टायर यहाँ से रोटेट हो रहा है, तो मेरे को इसी में कुछ प्रॉब्लम लगती है। तो घुमा के हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो गाइस, ये खिंच रहा है, लगता है इसी में प्रॉब्लम है। तो पहले मैं इसका नीचे से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रू होगा ये वाला, जैसे कि आपको इधर सही दिख रहा है इस वाले स्क्रू को। गाइस, इस वाले स्क्रू को आपको ओपन कर लेना इसकी डायल की हेल्प से, और जो नए मॉडल आए हैं ना उनमें ये सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए ही मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, ये पुराना वाला मॉडल है इसलिए इसमें स्क्रू आ रहा है, और जो नई स्कूटीज या बाइक है उनमें ये नहीं है, उसमें सिर्फ इस टाइप का स्क्वायर सा होल है। तो उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर इस तरीके से अंदर लगा के और इसको बाहर की तरफ पुश कर देना होता है, तो ये वायर निकल आता है। तो मैं चलिए इसका वायर निकाल देता हूँ। तो इसका वायर भी गाइस निकल चुका है, और ये गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है, और इसका वायर यहाँ से आप देख सकेंगे ये सही नहीं है, मेरे को ख़राब लग रहा। तो एक बार इसको यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और ये वायर खिंच रहा है गाइस, लगता है ये वायर में ही प्रॉब्लम है। तो एज गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वेयर हो चुका है, इसमें जंग लगने की वजह से, रस्टिंग की वजह से लगता है ये ख़राब हो गया, क्योंकि अभी बारिश में कभी दिन उस चक्कर में लगता हुआ। तो वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मेरे में यही प्रॉब्लम है कि इसका जो वायर ख़राब हो चुका है, तो अब मैं करूँगा क्या, इसके लिए वायर लेके आता हूँ मैं अभी शॉप पे जाऊँगा। और आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप नया वायर ही ला के घर पे रख ले, वो मत कीजिएगा। आप पहले आप चेक कीजिएगा, अगर आपके वायर में ही प्रॉब्लम है तो ही आप वायर लेके आइएगा। तो मेरे को पता नहीं था इसमें वायर में प्रॉब्लम है, तो अभी मैं जाता हूँ देखता हूँ शॉप पर, अगर मिल गया तो आपके इसके आगे फिर देखते हैं। अभी मैं गया था शॉप के पास, और जो कि मेरे घर से थोड़ी दूर है, तो मैं वहाँ का जाकर इसको पता किया,
तो वहाँ पर ये बोल रहे थे कि अभी नए मॉडल के लिए अवेलेबल है, पुराने वाली इस वाली मॉडल की अभी नहीं है वायर, तो जब भी अवेलेबल होगा अभी इसमें लगा लूँगा। तो तब तक फ्रेंड्स गाइस मैं इसको पैक कर देता हूँ, यहाँ से पूरा ये लगा देता हूँ हेडलैम्प, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। गाइज अनफॉर्चुनेटली मेरे को स्पीडोमीटर का वायर नहीं मिला क्योंकि मेरा जो स्कूटी है वो ओल्ड मॉडल की है, लेकिन शॉपकीपर ये बोल रहे थे कि नए मॉडल की अभी अवेलेबल है जो कि मेरे में लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और एक दो शॉप्स पर लोकल थे तो लोकल वायर मैंने इसलिए प्रीफर नहीं किया कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और जेन्युइन वायर को यूज़ करना है, तो मैंने बोल दिया उनको, वो ये बोल रहे थे कि एक दो हफ्ते में आ जाएगा तो तभी मैं लगा लूँगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके में कुछ और प्रॉब्लम है तो आप एक बार से चेक करवा सकते हैं, और वायर अगर सही है तो फिर मीटर में कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर उसकी जो सुई होती है निजल होती है वो ख़राब हो गई होगी, तो आप चेक करवा लीजिएगा अगर आपके मीटर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।